तो काफ़ी लोग मुझे डीएम्स आते हैं काफ़ी लोग मैसेज करते हैं काफ़ी लोग पूछते हैं कि उन्हें नया लैपटॉप लेना है गेमिंग पर्पज़ के लिए मल्टी के लिए हैवी वर्क के लिए तो कौन सा लैपटॉप वो ले तो मैंने काफ़ी रिसर्च की इसमें काफ़ी लैपटॉप्स देखे और आज आपके लिए मेरे पास है वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा आपको टॉप थ्री बेस्ट लैपटॉप्स जो आप ले सकते हैं अंडर सिक्सटी थाउजेंड जिसमें आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस भी टॉप का है और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं आपने पहली बार वीडियो देखी है अगर आप पहली बार डिस्टिल मॉन्ग आए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आपके सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए प्लीज सब्सक्राइब क्योंकि ये हम लोगों को मोटिवेट करता है ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाने के लिए अब चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ तो मैं जो भी तीन लैपटॉप बताऊंगा उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है सब में आपको i5 देखने को मिल जाएगा इंटेल का और सब में आपको अलग से एक ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा जो लोएस्ट है एन वीडिया जी फोर या फिर आपको एन वीडिया जी फोर देखने को मिलेगा तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं ये मैं पहले बता दिए अगर आप इनमें आसपास ढूंढे हो तो ये वीडियो आपके लिए तो सबसे पहले जो आपको लैपटॉप देखने को मिलता है जो नंबर थर्ड पे है हमारी लिस्ट में वो है ए का आर ओ जी स्ट्रिक्स अब आर ओ जी सोच के आप समझ गए होंगे कि लैपटॉप गेमिंग पर्पज़ के लिए ही है इसमें आपको एक एन वीडिया वन जीरो फाइव जीरो ग्राफिक कार्ड चार जी बी का देखने को मिल जाता है आपको पाँच सौ बारह जी बी की एस एस डी मिलेगी इसमें आपको आई फाइव एट जनरेशन मिलेगा एक नाइन्थ जनरेशन का भी मॉडल है वो भी मिल जाएगा इसके आगे कुछ कॉन्स की बात करें तो इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक यूनी बॉडी है आपको बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल लैपटॉप नहीं मिलेगा इसमें जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी एवरेज सी है तो वो एक दिक्कत है और तीसरी चीज़ इसमें आपको सारे पोर्ट्स नहीं मिलेंगे और सबसे बड़ी बात अगर आप कोई वीडियो एडिटर हैं या आप एडिटिंग करते हैं या आप कोई क्रिएटर हैं तो आपके लिए इसमें एक एच डी का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा इसको आप आपेजान में चेक कर सकते हैं या जितने भी लैपटॉप बताऊँगे सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं या आपके अराउंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड का थोड़ा ओवर बजट है लेकिन अगर आप एक गेमिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ ले रहे हैं इसको तो ये काफ़ी सही लैपटॉप हो सकता है नंबर सेकंड पे जो लैपटॉप आता है हमारे लिस्ट में वो है लनोवो का ले जे ऑन वाई फाइव फोर्टी ले जे की एक गेमिंग सीरीज है जो गेमिंग लैपटॉप निकालती है और ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है काफ़ी अच्छा लैपटॉप है इसमें आपको इंटेल कोल आई फाइव नाइन्थ जेन देखने को मिलेगा इसका ग्राफिक कार्ड जो है वो भी काफ़ी कमाल का है इसमें आपको चार जी बी का एन वीडिया जी फोर्स जी डी एक् सिक्सटीन फिफ्टी देखने को मिलेगा जो सबसे लेटेस्ट है अभी इन विडिया की तरफ से 2019 में लॉन्च हुआ था इसमें आपको एक 512 हंड्रेड ट्वेल्व जी बी की एस एस डी देखने को मिलेगी जो भी काफ़ी सही है काफ़ी तेज़ है काफ़ी ब्लेजिंग फास्ट है अगर इसके सिर्फ सिंपल कॉन्स की बात की जाए तो काफ़ी पुराना टाइप का डिज़ाइन है आपको बैकलेट की बोर्ड मिलता तो है लेकिन वो सिम सिंप, एक सिंपल सिंगल कलर वाइट कलर का है तो अगर आप एक काफ़ी फ्लैशी लैपटॉप ढूंढ रहे हैं या फिर आपको काफ़ी देखने में अच्छा लैपटॉप चाहिए तो शायद ये आपके लिए नहीं हो सकता है अमेजो पे इसकी प्राइसिंग है सिक्सटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी आप जाके चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाके लाइक करिए कमेंट करिए वीडियो पे कैसे आपको वीडियो लगी या आपकी कोई ऐसे ओपिनियन है किसी लैपटॉप के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नंबर वन लैपटॉप के आने से पहले एक ऐसा लैपटॉप है जो मैं ऑनरेबली मैंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लैपटॉप हो सकता था लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया अगर आप वैसा कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो प्राइसिंग में भी कम हो तो ये आपके लिए हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ एस नाइट्रो फाइव की नाइट्रो सीरीज़ भी एक मिड रेंज एक लैपटॉप में गेमिंग लैपटॉप की सीरीज़ है जो एस बनाता है काफ़ी अच्छा लैपटॉप ये भी है इसमें आपको वन डावाइट की हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी आपको एस देखने को नहीं मिलेगी इसमें आपको आई फाइव जन मिलेगा आपको इसमें एन वीडिया जी देखने को मिलता है जो काफ़ी ठीक है बस जो मेन प्रॉब्लम इसके साथ है इस लैपटॉप के साथ वो है हीटिंग इशू और गेम खेलते समय या कोई भी काम करते समय अगर आपका लैपटॉप हीट करे तो आपको शायद पसंद ना है लिंक अमेजोन की डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको कुछ देखना है इसके बारे में तो आप जाके चेक कर सकते हैं माइल इसमें जो तो नंबर वन पे लैपटॉप है वो और कोई नहीं है एम का जी एफ है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है उनके लिए जो गेमिंग करना चाहते हैं इसमें आपको आई फाइव नाइन्थ जेन देखने को मिलेगा इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो एम एन वीडिया जी फोर्स सिक्सटीन फिफ्टी मैक्स की देखने को मिलता है जिसमें आप वन फोर्टी हर्ट वन फोटी फोर हर्ट्स की अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं काफ़ी थिन बेजल्स हैं इसमें लैपटॉप में इसमें आपको सिक्सटी हर्ट्स का एक आई पी पैनल देखने को मिलता है मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन है तो काफ़ी ड्यूरेबल है लैपटॉप इसका ऐसा कोई कॉन्स मुझे एक्चुअली देखने को नहीं मिला क्योंकि कंपनी इसमें क्लेम करती है कि आपको इसमें टेन आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाएगा लेकिन अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं इसको तो सेवन टू एट आवर्स का देखने में मिल जाता है जो इस सीरीज़ में जो अभी मैं तीन लैपटॉप बताऊँ उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है ये लैपटॉप आप लोग अमेजोन से ले सकते हैं इसकी प्राइजिंग फिफ्टी है काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस है इसका एक काफ़ी मिड रेंज में आता है सबके काफ़ी लोगों के, लोग के बजट में ये लैपटॉप होगा तो अगर आपको गेमिंग लैपटॉप के लिए जाना है मैं आपको अगर मेरा अपनी ओपिनियन दो तो एम एस काफ़ी सही लैपटॉप हो सकता है आई फाइव नाइन जेन वाला सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ये थे मेरे कुछ तीन लैपटॉप जो मुझे काफ़ी सही लगे अगर आपको इनमें से कोई भी सही है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप जाके देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए शेयर करिए उनसे जिनको नया लैपटॉप लेना है और आपसे उन्होंने पूछा है थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे सेफ एंड स्टे हेट होम